हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी पावरफुल ऑडियो एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जो कि हम पुराना जो डीवीडी प्लेयर होता है उसके अंदर जो प्लेट निकलती है एम्पलीफायर की, उससे बनाने वाले हैं। मतलब ये इसको बनाने का आपको कोई भी खर्चा नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसके लिए मैंने एक पुराने डीवीडी प्लेयर में की जो पीसीबी रहती है वो निकाल ली, उसकी सारी वायरें कट कर दी। आप देख सकते हो इसके ऊपर LA4440 नंबर का आईसी लगा हुआ है, इससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हो। इसी तरीके की प्लेट आती है। और ये मैंने कुछ ACP शीट के टुकड़े ले लिए, इनके जो डायमेंशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसकी जगह पर जो MDF बोर्ड आता है वो, या PVC शीट, या फिर कोई डिब्बा जो भी आपके पास पड़ा हुआ वो ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही शीट लेनी है। अगर आपको ये लेनी है तो आप किसी जो दरवाजे खिड़की बनाई जाती है वहाँ पे जाके ले सकते हो। तो मैं फटाफट से इसका जो बॉक्स है वो बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पीस है वो यहाँ पे इस तरीके से चिपका देना है। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक से इसे चिपका दे रहा हूँ। तो मैं इसी तरीके से पूरा बॉक्स बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इधर का भी ऐसे ही चिपका लेते हैं। दोस्तों, अगर आप सागर रोबोटिक्स पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाजू का बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इसी तरीके से और नए नए और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपको मिलते रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट मिलते रहे। तो ये मैंने एक स्विच ले लिया है जो कि 10K का पोटेंशियोमीटर है। इसको वॉल्यूम कंट्रोल स्विच भी बोला जाता है, या पोटेंशियोमीटर कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 10K का आपको लेना है। तो वो हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो कम ज़्यादा कर सके। तो ये दो ICA, मतलब दो चैनल वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड होता है। ये काफ़ी अच्छे से 80 वॉट तक हमें प्रोवाइड कर देता है। तो देखो, मैंने इसकी जो वायरें थी वो सब कट कर ली है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें कनेक्शंस कर लेने हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों भी कनेक्शंस कर सकते हो। जो मैं आपको एक ही करके बताता हूँ, वैसे ही आप दूसरे भी अगर चाहे तो कर सकते हो, या नहीं भी किए तो कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे इस जो स्विच के सेंटर वाली वायर होती है उसे हमें जो यहाँ पे ग्रिड वाली वायर होती है वहाँ पे कनेक्ट कर देना होता है। तो आप कोई टेंशन मत लो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी वायर कहाँ पे लगा देनी है। आप वीडियो पूरी देखना बिना स्किप किए, आप इसे आसानी से घर पे बना सकोगे। तो जो सेंटर टैप वाली वायर थी वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो देखो, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है छोटा वाला, उसके एक टर्मिनल पर हमें इसे कनेक्ट कर देनी है। और जो स्विच की पहली वाली वायर है, मतलब पोटेंशियोमीटर की, तो वो हमें किसी भी ग्राउंड में, मतलब जहाँ पे निगेटिव वाली वायर है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये स्विच के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अगर आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैंने एक ऐसी पुराने हेडफोन की पिन ले ली और उस पर दो वायर सोल्डर कर लिए, आप देख सकते हो। और उसके ऊपर मैंने जो हीट श्रिंक ट्यूब आती है वो चढ़ा दी। आप वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक टेप भी लगा सकते हो। तो पिन के जो दोनों वायरें थी वो वहाँ पे मैंने स्विच पे कनेक्ट कर दी, आप देख सकते हो। अब हम स्पीकर आउटपुट की वायरें लगाने वाले। तो IC के 3 नंबर और 5 नंबर जो भी होता है वहाँ पे हमें स्पीकर के लिए वायरें कनेक्ट कर देनी है। तो देखो, ये मैंने कर दी 3 नंबर पे कनेक्ट, और अगली वाली वायर जो है वो 5 नंबर पे कनेक्ट करने ले वाला हूँ। इसी तरीके से आप दूसरे वाले IC के भी कनेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे हम पॉजिटिव निगेटिव लगाएंगे। तो ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है 25 वोल्ट का, इसके निगेटिव में निगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव हमें वायर कनेक्ट कर देनी है। तो उसके लिए मैंने रेड और ब्लैक वायर ले ली। उसके बाद इंडिकेटर के लिए एक LED ले लिया और उसको 1K का रेजिस्टर लगा दिया, और रेड और ब्लैक मतलब पॉजिटिव निगेटिव वायर कनेक्ट कर दी। तो यहाँ पर मैं ये दोनों वायर इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ LED के पास में, क्योंकि LED हमें मेंस, मतलब जो 12 वोल्ट पावर है वहाँ पे ही लगा देना है। तो ये कैपेसिटर के निगेटिव में कनेक्ट कर दी, और जो रेड वाली वायर है उसे कैपेसिटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। तो बस इतने सिर्फ 6 वायरें लगाने के बाद आपका ऑडियो एम्पलीफायर अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको दूसरा चैनल कनेक्ट करना है तो इसी तरीके से आपको उस दूसरे वाले IC के भी वायरिंग कर देनी है। तो देखो, हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा वर्किंग के लिए रेडी है। तो ये जो LED है इसको हम लगा लेंगे। तो देखो, इसकी रेड
अपने कैपेसिटर के पॉजिटिव में और ब्लैक कैपेसिटर के निगेटिव में लगा दी। और ये जो दोनों व्हाइट वायरें थी वो आईसी के 3 नंबर और 5 नंबर पिन में हमने कनेक्ट कर दिए। तो ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ। आप ये जो स्पीकर की वायरें निकाली है वहाँ पे जो स्पीकर कनेक्टर आता है वो भी लगा सकते हो अगर आपके पास हो। मेरे पास नहीं था और मुझे कम से कम पैसों में बना के दिखाना था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये है हमारी इनपुट वाली पिन। तो ये ऊपर वाला ढक्कन मैं चिपका लेता हूँ और फिर आपको उसके बाद इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो देखो, मैंने जो 12 वोल्ट का एलिमीटर आता है वो ले लिया। आप इसकी जगह पे 12 वोल्ट की कोई यूपीएस की बैटरी या ट्रांसफार्मर ले सकते हो। एक स्पीकर ले लिया, मतलब ये वूफर है। तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो व्हाइट वाली वायर है अपनी आउटपुट वाली, वहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे इसी वायरों पे भी 2 स्पीकर लगा सकते हो, या फिर लेफ्ट राइट चाहिए तो दूसरे आईसी पे कनेक्ट कर देना। तो सब कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इसको पावर देके ऑन करवा देता हूँ। तो देखो, इसमें पावर आ चुकी है। ये हमारा स्विच है, ये मैंने पूरा कम कर रखा है। अब यहाँ पे मैं मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी आपको इसकी पूरी कंप्लीट टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो मैंने ये जो सॉन्ग है वो प्ले कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से बज रहा है। और ये हम यहाँ से वॉल्यूम भी कम ज़्यादा करके दिखाऊंगा। तो देखो, ये ऑन हो चुका है, ये काफ़ी अच्छे से बज रहा है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस भी आ जाता है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हो ऊपर कितना पावर से बज रहा है। अभी भी वॉल्यूम कम ही है, फिर भी ये इतना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आपने पूरी टेस्टिंग देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मैं यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी कनेक्ट करवा के दिखा देता हूँ, मगर आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो तो क्या करना है। तो ये इस तरीके का ब्लूटूथ डोंगल बनाया था, वो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देख सकते हो किस तरीके से बनाया है। तो मैं इस पिन को यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसमें ब्लूटूथ इनेबल हो जाएगा। और अगला वाला जो है उसे पावर बैंक में लगा देता हूँ। तो अब आपको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे ब्लूटूथ से चला सकते हो। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Ah.